नवरात्रि के दिनों में आज हम कुछ खास बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ हेल्दी भी है। इनका नाम है डेट रोल्स। डेट रोल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं और नवरात्रि के दिन हैं तो आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डेट रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम खजूर लेंगे। तो ये मैंने 400 ग्राम खजूर लिए हैं और इनके बीज निकाल दिए हैं। मार्केट में सीडलेस खजूर भी आसानी से मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। तो थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, 15 से 20 काजू, 15 से 20 मैंने यहाँ बादाम लिए हैं, 1 चम्मच मैंने यहाँ मेलन सीड लिए हैं यानी कि खरबूजे के बीज, 15 से 20 बारीक कटे हुए पिस्ते लिए हैं, 2 से 3 मैंने यहाँ अखरोट लिए हैं, इसे बारीक कट कर लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे मत लीजिए, नहीं तो आप अगर खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। 3 बड़े चम्मच मैंने खसखस लिया है। अब खसखस को और हम मेलन सीड को दोनों को हल्का सा भून लेते हैं। तो यहाँ हम एक पैन लेंगे और पैन में खसखस डाल लेंगे और इसे 1 मिनट हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए मैंने भून लिया है, इसमें हल्का सा कलर चेंज हो गया तो इसे निकाल लेंगे। साथ ही साथ मेलन सीड भी हम भून लेंगे करीब करीब 1 मिनट के लिए, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हल्के से फूल जाएंगे। और इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और जो हमने बारीक कट करके लिए हैं ड्राई फ्रूट वो डाल लेते हैं और इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे इनमें हल्का सा क्रंच आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो ये लीजिए, मैंने ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हम जो हमने खजूर लिए हैं वो डाल लेते हैं और इसे हम पीस लेंगे। इसको हम दरदरा पीसेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का दरदरा पीस लेंगे। पीसते टाइम इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी तो आप चम्मच से इसे चलाते रहिए और इसे दरदरा पीस लीजिए। तो लीजिए मैंने इसे पीस लिया है, अब हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे और जो हमने खजूर का को पीस कर रखा है वो डाल लेते हैं, पका लेंगे। तो इसे पका लेते हैं अच्छे से, चम्मच से चलाते हुए इसे पका लेंगे। अभी ये हल्का सा हार्ड आपको लग रहा है लेकिन जैसे जैसे पकेगा ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पर हम पका लेंगे करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट इसे पकाते हुए हो गए हैं, देखिए ये पहले से सॉफ्ट हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं जो हमने भून के रखे थे। तो ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मेलन सीड डाल लेंगे हम इसमें, मेलन सीड डाल लेते हैं और साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा लिया है वो डाल लेंगे और जो हमने खसखस भून के रखा है वो भी हम डाल लेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब ये बनकर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक सीट ली है, आप चाहें तो यहाँ सिल्वर फॉयल ले सकते हैं। अब इस पे डाल लेंगे हम और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हल्का सा गर्म है, आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसके हम गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ रोल बना रही हूँ तो इसका एक बड़ा सा रोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। रोल मैंने बना लिया है, अब जो हमने खसखस बचा के रखा था वो डाल लेते हैं, साथ ही साथ हम बारीक कटे हुए पिस्ते डाल लेंगे।
अब इस पर हम इसे रोल कर लेते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने। देखिए मैंने रोल कर लिया है। अब एक क्लिंग रैप लेंगे, उस पर हम लपेट लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं। ये मैंने अच्छे से लपेट लिया है। अब 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसका रैप हम निकाल लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। देखिए कट करके मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और खसखस हमने इसके ऊपर लगाया है तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी ये सुंदर लग रहा है। देखिए आप ऐसे रोल बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर है। तो और कट कर लेते हैं, ऐसे ही सारे रोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। कट कर लेंगे, देखिए सारे रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और खाने में ये सुपर डिलीशियस हैं। आप भी ऐसे रोल बना सकती हैं और नवरात्र के दिनों में आप इसे एंजॉय कर सकती हैं। जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाती हैं आप उसे स्किप कर दीजिए और जो आप व्रत में खाती हैं उसमें ऐड कर लीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।